एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3, वन ऑफ द माय फेवरेट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। अब अगर हम बात करें ये कब रिलीज होने जा रहा है, क्या इसकी करंट स्टेटस है और कब तक जो है हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर ये वेब सीरीज रिलीज होती नजर आने वाली है। देखो, जो बात करूंगा बिल्कुल सटीक और सही करूंगा, फालतू की चीज़ें बिल्कुल घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। और कुछ और अपडेट्स चाहिए तो चैनल पर मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी वो वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों ही बहुत कमाल नजर आए, बहुत 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 ज़्यादा। अपने फेवरेट कैरेक्टर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। बट अब अगर उससे बात करूँ हटके, सीजन 3 की क्या अपडेट है, सीजन 3 की जो अपडेट है वो ये है कि इस फिल्म का जो प्रोडक्शन का वर्क था, यानी कि जो शूटिंग का वर्क था, वो पूरी तरीके से लगभग फरवरी के महीने में कंप्लीट कर लिया गया था। एंड अगर मैं बात करूँ, मार्च महीने से यह फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में चली गई थी, यानी कि एडिटिंग का, डबिंग का, ये जो सारे फेज होते हैं उसके अंदर। अब अगर हम जाने कि भैया अभी फिलहाल क्या चल रहा है, तो देखो फिलहाल ये वेब सीरीज अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में ही है एंड अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन को कंप्लीट होते एक महीने का टाइम लगने वाला है, यानी कि नवंबर महीने के मिड तक कहीं जाकर इसका जो है पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट होता नजर आने वाला है। एंड उसके बाद आपको कब ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आपको अभी कम से कम नहीं तो 5 महीने का या फिर 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जो कि अपडेट्स अभी निकल के आई हैं उसके अनुसार अगर हम माने तो ये वेब सीरीज आपको कहीं ना कहीं जाके 2025 के अंदर शो शॉर्ट नजर आने वाली है, वो भी होने वाला है मंथ अप्रैल का। जी हाँ दोस्तों, 2025 में अप्रैल महीने के अंदर आपको द एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 जो है आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होता नजर आने वाला है। अगर उससे पहले चांसेस बिल्कुल जीरो हैं, आपको देख लेना 2025 के अप्रैल महीने के अंदर ही ये सीरीज जो है आपको रिलीज होती नेटफ्लिक्स के ऊपर नजर आने वाली है। अब आप जरूर बताइएगा आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस वेब सीरीज से, क्योंकि दोस्तों इसका मांगा का जो पार्ट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कैरेक्टर्स जो है वैसे ही कुछ नजर आएंगे बट स्टोरी काफी ज्यादा नई नजर आएगी। तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन इस वेब सीरीज से बहुत ज्यादा है यार, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेब सीरीज आई एवर सीन लिटरली यार, बहुत ही प्यारी मेरे को वेब सीरीज लगी। मेरे को तो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप अपनी एक्साइटमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड कोई और अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बताऊँगा वीडियो। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।